हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद लच्छ अकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड और पैडागोजी के सेक्शन का ये हमारा दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है, जिसमें हमने 1 से लेकर के 15 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से एक बार देख लें। और हमारा पार्ट टू आज के लिए हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हम NVS, KVS और CTET और जितने भी टेट के एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी के लिए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है, एक टीचर की कार्य क्षमता यानी कि एबिलिटी को किस तरह से इंक्रीज किया जा सकता है। ऑप्शंस देख लीजिए, हमारा राइट आंसर क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक की कार्य की सराहना करके। देखिए ये क्वेश्चन मेरे लिए है, यानी कि क्वेश्चन एक टीचर की आप कार्य क्षमता यानी कि उनकी एबिलिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उनकी काम के तारीफ करके। तो हमारे मेरे काम की तारीफ कैसे कर सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक करके करिए, पसंद आता है जिससे मैं भी मोटिवेट होता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन केवल पढ़ने के लिए नहीं था और काम के लिए भी था। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। किसके लिए है, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए, ए और बी। देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन है हमारा महिलाओं के लिए और पिछड़ों के लिए। अब यहाँ पर शिक्षा दो तरह से यूज़ हो रहा है, एक शक्ति और एक सत्ता। महिलाओं के लिए ये कैसे यूज़ हो रहा है, महिलाओं के लिए जिस तरह से हमारे भारत में बहुत सारे गांव देहात में या पिछड़े जो वर्ग हैं वहाँ पर उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, तो शिक्षा से उन्हें पता चलता है कि क्या करना चाहिए, किस तरह से उसे लड़ना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षा से क्या मिलता है, महिलाओं और पिछड़े वर्ग दोनों को शक्ति और उनका सत्ता का स्रोत बनता है ये। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का मुख्य कारण है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का क्या मुख्य कारण है, हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं, सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का ना होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा, घटिया स्तर की शिक्षा। देखिए यहाँ पर है आंसर हमारा उद्देश्यहीन शिक्षा। जिस तरह की हमें पता है कि हमारे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के जो कोर्सेस हैं वो कंटिन्यूसली 2-4 साल 5 साल 10 साल तक वो चेंज नहीं होते हैं, तो ये जाहिर से बात है ये अच्छा सो नहीं है। हर साल जिस तरह से दुनिया डेवलप हो रही है उस तरह से कोर्सेज चेंज होने चाहिए, उनके सिलेबस चेंज होने चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप खुद देखे होंगे, लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं और एग्ज़ाम देते हैं बैंकिंग की, तो वो सही से पढ़ाई नहीं हो पा रही है तभी ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा, उद्देश्यहीन शिक्षा। अगला क्वेश्चन, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा, हमें शिक्षा ग्रहण क्यों करना चाहिए, इससे क्या बेनिफिट होता है, देखते हैं। व्यक्तियों को विद्वान बनाती है, व्यक्तियों को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, और ये सभी। देखिए एग्जाम में यहाँ पर क्या करेंगे ना लोग, ना ये सभी टिक मारेंगे और आ जाएंगे, क्योंकि देखने में ये लगता है कि बिल्कुल यही होगा, बट ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये हमें स्वावलंबी बनाती है क्यों, मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए व्यक्तियों को विद्वान बनाती है, विद्वान हम उसको बोलते हैं जो किसी चीज़ में एक्सपर्ट होता है। ठीक है, तो शिक्षा हमें किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं करती है, शिक्षा हमें बेसिकली नॉलेज देती है, किसी चीज़ के बारे में बताती है, हम उसके बारे में विद्वान नहीं बन जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप 10th के बच्चों को देख लीजिए, 10th में हम उन्हें 5-6-7 चैप्टर को पढ़ाते हैं, अलग अलग कोर्सेज पढ़ाते हैं, अलग अलग बुक्स पढ़ाते हैं, तो वो क्या है, उन सभी में उनको बेसिक बेसिक नॉलेज मिलती है, बट वो विद्वान नहीं होते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्वावलंबी बनाती है, बिल्कुल पढ़े हुए लिखे व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, वो समाज में रह सके, समाज के साथ जी सके, उन्हें उस लायक बनाती है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है यहाँ पर। थर्ड में क्या है, अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, मतलब किसी चीज़ को समझने योग्य बनाती है। तो शिक्षा हर चीज़ को समझने योग्य नहीं बनाती है। अब आप सपोज आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और आपको मैं इंजीनियरिंग की बात बताऊं तो आपको समझ में तो आएगी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अर्थोपार्जन तो हुआ नहीं। तो इसलिए यहाँ पर जो सेकंड नंबर है कि ये स्वावलंबी बनाती है, ये परफेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है, हमारे ऑप्शंस देख लीजिए। देखिए लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक जो होता है वो क्या होता है, हमारा सबसे उत्तम माना गया है। क्यों माना गया, जैसा कि हमें सबको पता है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसीलिए एग्जाम में ये चीज़ ध्यान रखें। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिभावक मुलाकात दिवस सबसे अधिक आवश्यक पड़ती है,
अभिभावकों से जो मुलाकात होते हैं टीचर्स का, जो टीचर्स मीटिंग होती है, पेरेंट्स मीटिंग होती है, सॉरी, जो पेरेंट्स मीटिंग होती है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कब होती है? प्राइमरी एजुकेशन में, ठीक है, जितने भी प्राइमरी क्लास होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि वहाँ पर मालूम चलता है कि बच्चों की प्रोग्रेस क्या है और कितने प्रोग्रेस वो कर रहे हैं। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान का लक्ष्य क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शंस बढ़िया से देख ले एक बार। प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, नागरिकों की सुख सुविधा का विस्तार होना चाहिए, उच्च शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, और ये सभी। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये सभी टिक मारेंगे, क्योंकि हमें सभी के सभी सही लग रहे हैं और आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, चलिए ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए डीप नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है, जब तक आप क्यों का आंसर नहीं ढूंढ लेंगे तब तक आप आंसर सही नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो हमारे साथ क्यों जरूर डिस्कस कर ले। देखिए पहला ऑप्शन क्या बोलता है, पहले हम देख लेते हैं सेकंड ऑप्शन, नागरिक सुख सुविधाओं का विस्तार। देखिए ऐसा नहीं है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो उनका विस्तार नहीं होता है, सुख सुविधा उनको नहीं मिलती है, ठीक है? तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाता है, क्योंकि अगर हम, ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग तरक्की नहीं करते हैं या फिर वो आगे नहीं बढ़ते हैं, सुख सुविधा नहीं पाते हैं, तो ये ऑप्शन तो आएगा नहीं। उच्च शिक्षा का प्रसार, देखिए उच्च शिक्षा हम तभी दे पाएंगे जब हम प्राइमरी शिक्षा देंगे और पढ़ो यानी कि जितने भी बुजुर्ग हैं हम उनको भी पढ़े लिखे हुए होंगे, तभी वो शिक्षा का महत्व समझेंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार करना। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो या कोई प्रॉब्लम हो तो हम नीचे कमेंट करें, हम आपके क्वेश्चंस के, जितने भी आपके क्वेरीज होंगे उनका आंसर जरूर देंगे। नेक्स्ट है, प्राचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है। अब एक प्रिंसिपल अपने टीचर से क्या उम्मीद कर सकता है? समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, योग्यता एवं ज्ञान की, या फिर ये सभी? तो ये करेगा ये सभी, ठीक। नेक्स्ट, अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं। एक पेरेंट्स अपने टीचर से क्या आशा करते हैं या फिर क्या उम्मीद करते हैं? निष्पक्ष व्यवहार के, बिल्कुल, एक पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चे से वो सभी बच्चों की तरह व्यवहार करें। सहानुभूति एवं प्रेम की, जी हाँ। योग्यता एवं ज्ञान की, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी बोथ। देखिए अब निष्पक्ष व्यवहार मतलब अब किसी, कोई टीचर वैसा नहीं होना चाहिए कि भाई जो कमज़ोर है उन पर ध्यान ना दे और जो ज़्यादा तेज़ है केवल उन पर ध्यान देते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स चाहेंगे कि भाई वो सभी पर इक्वली ध्यान दे, हमारे बच्चों को भी अच्छा से देखे और जो कमज़ोर है उनको भी अच्छा से देखे। सहानुभूति एवं प्रेम यानी कि वो गुस्सा वगैरह में ना रहे, प्यार से ही समझे कि हमारे बच्चे हैं, इस टाइप के फीलिंग्स रखे। देखिए ज्ञान और योग्यता एवं ज्ञान, योग्यता एवं ज्ञान, अगर आप टीचर हैं तो जाहिर है बात है आप योग्य और उस, आपके पास उतना ज्ञान है कि आप एक टीचर बने हैं और उस पोजिशन पर आप बैठे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यदि आपसे किसी गंभीर विषय में भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप, यानी कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि किसी गंभीर टॉपिक में या फिर कोई सीरियस टॉपिक है उस पर आपको भाषण देने के लिए कहा जाता है तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर राइट आंसर है सहरसा तैयार हो जाएंगे। सहरसा तैयार हो जाएंगे मतलब इमिडिएट, यानी कि तुरंत रेडी हो जाएंगे। अब तुरंत रेडी क्यों हो जाएंगे भाई, आप एक टीचर हैं और आप किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से समझा सकते हैं, इसलिए आप सहरसा तैयार हो जाएंगे, ठीक है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना क्या है? आवश्यक है। आध्यात्मिकता ज्ञान देना मतलब क्या होता है, हमारी जो संस्कृति है उसके बारे में उन्हें बताना क्या है, जरूरी है, क्योंकि ये भूलते जा रहे हैं, बच्चे जो हमारे हैं वो भूलते जा रहे हैं। नेक्स्ट है, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे, इससे क्या बेनिफिट होता है? सीखने का अवसर मिलता है, जी हाँ बिल्कुल। व्यक्तित्व का विकास होता है, जी हाँ। आत्मविश्वास का विकास में सहायता मिलती है, जी हाँ। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सभी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। क्वेश्चन ने बोल रहा है कि आपका वह गुण क्या होना चाहिए जिससे किसी भी टॉपिक को आप स्टूडेंट्स को इजीली तरीके से सिखा सकते हैं, तो वो क्या होना चाहिए? प्रभावी अभिव्यक्ति। प्रभावी अभिव्यक्ति कहने का मतलब है जो आपकी पर्सनैलिटी है वो एक टीचर के लायक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उदास मूड में या फिर एक क्या बोलते हैं एटीट्यूड, गर्म मिजाज में आप क्लास में पहुँच जाए और लोगों को, बच्चों को सिखाने लगे तो बच्चे आपसे डरेंगे ना ही सीखेंगे। अगर आप वही चीज़ उदास लेकर के पहुँच जाए, सैड मूड में पहुँच जाए, तो बच्चे आपको देखकर, जब आप ही सैड मूड में होंगे तो बच्चे कहाँ से एक्टिव होंगे। तो आपका जो क्या है, पर्सनालिटी जो है वो किस तरह होना चाहिए, एक एक्टिव होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, जिसको देख करके बच्चे भी कुछ सीखे,
ठीक है, अब समझ रहे हैं, आई होप आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में खेलों का आयोजन का उद्देश्य होता है, यानी कि किसी स्कूल में जो हम खेल का ऑर्गेनाइज करते हैं उसका क्या मोटिव होता है, क्यों करते हैं? बालकों का सर्वांगीण विकास करना, बालकों का सर्वांगीण विकास करने के लिए किया जाता है। सर्वांगीण यानी कि ओवरऑल उनके सभी चीज़ों का विकास किया जाता है, ठीक है, जिसमें हम लोग उनके मानसिक और शारीरिक दोनों का विकास करते हैं। क्लियर है? चलिए आइए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जितने भी हमारे नए बंदे हैं, जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो नीचे सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा लें। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये लगभग लगभग सभी एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। ये क्यों करते हैं हम लोग? छात्रों में नेतृत्व की भावना को बढ़ाने के लिए करते हैं। क्लियर है? आई होप आपको सभी 15 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपने पहला क्वेश्चन में ही पढ़ा था, क्योंकि उसे टीचर्स क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, तो मुझे भी मोटिवेट की ज़रूरत है। तो आप लाइक करना ना भूलें। और आज के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।